Very good morning, second class. Welcome in English class. Today is 17th October 2020 and day is Saturday. Today we will read The Rainbow Fairies. Okay, आज हम poem read करेंगे. Rainbow Fairies. Fairies होती हैं परियां. ठीक है, rainbow आपको पता है, जिसे आप सतरंगी pink बोलते हो, right? Rainbow Fairies. Let's start. You will speak after me. Two little clouds. One summer's day, two little clouds, दो छोटे छोटे बादल गर्मियों के दिन में, एक गर्मियों के दिन में, went flying through the sky. Flying mean उड़ रहे थे, ठीक है, उड़ते जा रहे थे through the sky, sky में से, बादलों में से, sorry, आसमान में से उड़ते हुए जा रहे थे. They went so fast. They bumped their heads. Bumped होता है टकरा जाना. इतनी फास्ट जा रहे थे, तेज जा रहे थे कि उनके दोनों के आपस में सर टकरा गए. And both began to cry. Cry means रोना. तो दोनों ने रोना शुरू कर दिया. Old father son looked out and said. ओल्ड फादर, ठीक है, मतलब ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है, अब बुजुर्ग भी बोल सकते हो, ठीक है. ओल्ड फादर मीन्स पिता. सन, सूरज ने देखा, लुक्ड मीन्स देखना, लुक्ड आउट एंड सेड, देखा और बोला, क्या बोला, ओ नेवर माइंड माई डियर्स. नेवर माइंड मीन्स आप चिंता मत करो, डियर तो आपको पता ही है, मेरे प्यारे, है ना, कि मेरे प्यारो चिंता मत करो. I will send my little fairy folk. तो वो क्या कह रहे हैं ओल्ड फादर सन, वो कह रहे हैं कि मैं आपके पास मेरी लिटिल फेरी फोक भेजता हूं, परियां भेजता हूं, ठीक है, आपके पास. टू ड्रायर फॉलिंग टीयर्स, तो जो आपके आंसू गिर रहे हैं उन्हें सुखाने के लिए. टीयर्स मीन्स आंसू, ठीक है. तो दो बादल उड़ते हुए जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में आसमान में से, इतनी फास्ट जा रहे थे कि उनके सर टकरा गए, तो वो रोना शुरू कर देते हैं. तो ओल्ड फादर सन उन्हें देखकर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी, आपके लिए मेरी लिटिल फेरी फॉक्स, ठीक है, अपनी छोटी परियां भेजता हूं, वो जो आपके आंसू हैं, आप रो रहे हो, आंसू गिर रहे हैं, उन्हें सुखा देंगी, ठीक है. आज आपने इतना रीड करना है, नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.